ऐसी बोल्ड फिल्म थी जिसकी चर्चा सरेआम सरे बाजार हुई थी और इस फिल्म का सीक्वल आया है और इस बार सरेआम सरे बाजार चर्चा जूली 2 की नहीं हो रही है बल्कि हो रही है इनके डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर पहलाज नेहलानी की। आज मेरे साथ हैं पहलाज जी, दीपक एंड फिल्म की एक्ट्रेस लक्ष्मी, स्वागत है आप सभी का। लेकिन मतलब पहलाज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, मतलब बहुत पहली बार मैंने किसी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर को बिठाया आज इंटरव्यू करने के लिए, क्यों बताइए? क्योंकि आप जानती है कि मैं संस्कारी हूँ। मतलब आपने, मुझे ध्यान है कि ट्रेलर लॉन्च पे आपने बोला था ये फैमिली अडल्ट फिल्म है, ये एक नई टर्म आपने इजाद की है, मतलब क्या है इस टर्म का मतलब? देखिए, जरूरी नहीं है कि एक फैमिली में बच्ची है, बहुत सारी फैमिली है जिसमें एडल्ट फैमिली होती है। एडल्ट फैमिली के साथ देखना आज जो है, वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि एडल्ट फिल्म है, पेरेंट्स जो है अपने साथ में फिल्म देखने जाते हैं, बट उनको पता नहीं है कि एडल्ट में जो है क्या है और क्या नहीं होगा। जिस तरह से आप लोगों को लगता है कि पहली जूली से आप लोग जो है कंपेयर कर रहे हो कि उसमें स्किन थी, जो लोगों ने सब फिल्म देखी है, ये फिल्म किसी ने देखी नहीं है, पोस्टर देख रहे हैं। क्योंकि एक पोस्टर है, एक ग्लैमर जो एक मॉडर्न ग्लैमर बोल्ड एक्ट्रेस है जिसकी जो है ना तस्वीरें जो है लगी हुई है, ये स्टिल है। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि पूरी फिल्म में बिकनी में चल रही है या पूरे पिक्चर में स्किन दिखा रही है, दूसरे कोई सीन्स नहीं है, क्योंकि बाकायदा ये कंप्लीट इंटायर कंटेंट विद ब्यूटीफुल स्टोरी है। और जहाँ पे मतलब इनसाइड फिल्म इंडस्ट्री की जो एक माहौल है, लोग जो है ना यहाँ पे मुंबई में आते हैं अपने ड्रीम को पूरा करके, एक अपना टैलेंट दिखाने के लिए, जहाँ काम मांगने जाए उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बातें की जा रही है। ये मैसेज है, मैं कह रहा हूँ, मेरे फिक्शन भी है इसके अंदर, थ्रिलर भी है, कहानी मतलब मूवमेंट भी है, सस्पेंस भी है, मतलब बहुत सारी चीजें जो है, इससे एंटायर कम्प्लीट पैकेज। तुमको हीरोइन बनाकर बेनिफिट रहा होगा क्या? मेरे हीरोइन तो तू कल बन सकती है, सिर्फ कंप्रोमाइज करना सीख ले। यहाँ पे सिर्फ बॉडी चलता है, गर्मा गर्म बॉडी। पहला जी, अभी मतलब आपका रोल एज अ CBFC चेयरमैन, मतलब इट्स गॉट ओवर नाउ, एंड अभी आपने एक नई अलग, यू कम बैक टू योर ओरिजिनल यू नो वर्क इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फिल्म्स, तो आपको लगता है लेकिन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर पाना कितना मुश्किल होगा, या लोग आपको पास्ट से कितना जोड़े रखेंगे? जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जूली के साथ शुरुआत की तो लोगों ने कहा कि ये आपने जो काम आप कर रहे थे सेंसर बोर्ड में बैठ के, उसके ऑपोजिट है एक जूली जैसी एक फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आपको लगता है कि कितना वक्त लगेगा आपको अपने आप को डिटैच करने में जो भी हो गया इन पास्ट? देखिए, जो काम हो गया उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी थी, ये मेरा जो है बिजनेस है, और बिजनेस में भी मैं कोई गलत काम कभी आज तक किया नहीं है। दिस इज माय 153 जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आपको लगता है कि लोग भी आपके बारे में यही राय रखेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर बीइंग एज अ चेयरमैन, शाहरुख की हैरी मेट सेजल के साथ या सलमान की प्रेम रतन के साथ कुछ कुछ लेके कॉन्ट्रोवर्सीज होती रही है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे इतना सुपरस्टार डोमिनेटेड एटमोस्फेयर है फिल्म इंडस्ट्री में, सेजल के साथ जो हुआ दैट वाज अ फेलर नॉट विद द पिक्चर, खुद प्रोड्यूसर ने बदल दिया और उसके बाद कोई कट नहीं मिला उसे, ठीक है? अब वो फिल्म क्या थी या क्या नहीं था, शाहरुख के साथ ना मैंने काम किया ना करूंगा, ठीक है? ये हम नहीं करेंगे, नहीं फिर नहीं, में नहीं, कोई नहीं, चीज़ नहीं, 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 बिल्कुल मैं डिसाइडेड हूँ ना सलमान के। दिस इज द न्यूज़, पहलाज जी आज हमारे प्लेटफॉर्म पे ये बोल रहे हैं कि शाहरुख के साथ कभी काम नहीं करेंगे, न सलमान के साथ किया न करूंगा। माई गॉड, ही इज मेकिंग बिग स्टेटमेंट। सलमान के साथ जो है जब स्ट्रगल था, मेरे पास रोज आके बैठा रहता था, जब मैं आई वॉज पॉपुलर टू इंट्रोड्यूस न्यू पीपल, शाहरुख खान मेरी 16 शबनम में कम से कम 10 दिन दिव्या भारती के साथ रोज आके जू बंगलों में शूटिंग कर रहे थे, रोज बैठा रहता था, तो जस्ट आई हैव सीन देम रॉ, जो मैंने मतलब इन सबको देखा हुआ, करीब से देखा हुआ, तो इनको मुझ में काम हो सकता, मुझे इनमें काम कभी नहीं पड़ा फॉर दिस थिंग, और मुझे काम करने की इच्छा भी नहीं है। आई लव काइंड ऑफ न्यू पीपल, लव देयर परफॉर्मेंस, और इनके साथ कुछ सीखने को मिलता है न्यू कमर्स के साथ, और जो टैलेंटेड लोग इंडस्ट्री में बहुत है। और शाहरुख की फिल्म जो है फ्लॉप नहीं होगी, गारंटी है क्या? अगर जूली हिट होगी मुझे गारंटी है, क्योंकि इट्स अ गुड कंटेंट। लेकिन जूली इज ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ खान, सो
That's a, you are individual. I am an individual producer. So, कौन से खान की फैन है? शाहरुख की या सलमान की? हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे. No, I have grown up seeing Shahrukh's films, but of late Salman Khan has been like the thing for me. So I think that's why I said Khan. So for me, both are equal. दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे. पहले मैं वो सुनूंगी और मैं यही भी कहूंगी साथ साथ, जूली से शाहरुख खान को इरेज करना बहुत मुश्किल है. जूली वन से शाहरुख का नाम जुड़ा है जूली के साथ. जैसे उस वक्त भी नेहा धूपिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सेक्स एंड शाहरुख खान आर द ओनली पीपल विद सेल्स इन बॉलीवुड, यू नो, और फॉर दैट मैटर इन सिनेमा की टर्म में बोले तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक देने से इजी हो गया? मतलब बहुत सारी फिल्म होती है जो सेम टाइटल्स पे बनती है. मुझे ये था कि जब मुझे ये कहानी मेरे जहन में थी, मुझे लगा कि ये इस कैरेक्टर का नाम जूली होना निहायती जरूरी है. अब आप पूछिए इसमें निहायती जरूरी क्या है, उसका मैं जवाब आपको देता हूँ. शी इज अ क्राइस्ट लवर, शी लव्स जीसस. अगर मेरी फिल्म में नाम होता आरती और वो जीसस से प्यार करती तो बवाल उठ जाता इस हिंदुस्तान में कि आरती कैसे जीसस से प्यार करती. मेरी सिंथिया नहीं, मुझे भी जीसस से प्यार हाँ, कर सकती है नहीं, लेकिन मैंने जूली बनाई थी, मैंने तो जूली बनाई थी, तो मैं क्यों नहीं जूली नाम रखूं लड़की का. लक्ष्मी आपसे जानना चाहूंगी, बहलाज जी बात कर रहे थे, फिल्म टॉक्स अबाउट अ जर्नी, एक लड़की की जर्नी है जिसमें वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरती है जहां पे कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते हैं. वही मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में कितनी ऐसी जर्नी है जो सिमिलर हो सकती है फिल्म की स्टोरी के साथ. आपकी जर्नी किस तरह की? क्या कहानी मेरे से इतना क्यों रिलेट किया जा रहा है? कुछ सिचुएशंस बहुत मिलती जुलती है. मुझे ऐसे ही कुछ लगा कि ये मेरे साथ हुआ है. सो देयर आर लाइक सेवरल इंसिडेंट्स इन द फिल्म. बेसिकली इट्स अ मैसेज कि ये लड़की मतलब कहां से कहां निकल गई और इसकी जर्नी स्मूथ नहीं रही है. इसकी जर्नी मतलब इसको क्या कुछ करना पड़ा. यू कैन कॉल इट एज अ एरोटिक थ्रिलर, यू कैन कॉल इट एज अ सस्पेंस थ्रिलर, जैसे आपको अच्छा लगे. आपने इंटरव्यू की शुरुआत की और बोला कि क्योंकि मैं संस्कारी हूँ इसलिए आपने मुझे बिठाया, लेकिन आपने इस फिल्म के साथ, विच इज शी एज राइटली मेंशन्स एरोटिक थ्रिलर कैन बी कॉल्ड, इसके साथ आपने वापसी करने की सोची, तो लग रहा है कहीं लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि सीबीएफसी की पोस्ट चली गई तो अब इसलिए संस्कार भी चला गया, सो आप वापिस आ सकते हैं इस तरह की फिल्म के साथ. संस्कार जो है ना किसी कैरेक्टर में पर्सनैलिटी से होता है, परवरिश से होता है, उसकी इससे होता है कि परिवार में संस्कार सीखते हैं, स्कूल में लोग सीखते हैं, और ये देश जो है ना आपको संस्कारी बनाता है. तो इससे जो है ना कोई मुझे पोस्ट जो है ना, मेरी एक पोस्ट थी जो लोगों ने मुझे संस्कारी नाम दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि मैं मतलब फिल्मों से काट रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इसको एक गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की. बहुत से लोगों ने मुझे बूचर कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा. That's my job. अगर जो है एक राइट कंटेंट सोसाइटी में जाता है, जिसलिए सीबीएफसी का गठन हुआ, जिस तरह से हर देश में हर कंट्री में सेंसरशिप होती है, तो इसमें मतलब हमारे यहाँ तो फिर भी लिबरल है. बहुत सारी फिल्में जो है यहाँ पे, क्योंकि तीन रेटिंग सिस्टम है, ए यू ए एंड यू, जो हमने यहाँ पे यू ए दिया, यूके में उस फिल्म को 15+ मिला. बहुत सारी फिल्में हैं, रेस हो, चाहे इवन हैरी पॉटर हो, चाहे अभी काबिल फिल्म रिलीज हुई, या उसके बाद में अपना बाहुबली रिलीज हुई, यहाँ पे हम लिबरल थे, लेकिन वो कोई देखता नहीं है. आज भी कट हो रहे हैं सेंसरशिप में, मतलब आज मेरे बदलने से कोई गाइडलाइन बदली नहीं. श्याम बेनीगल का जो एक रिफॉर्म जो रिफॉर्म हुआ वो भी आया नहीं, अभी तक नहीं. लेकिन मैं संस्कारी हूँ, लेकिन जो आज सीबीएफसी चेयरमैन है उसके नाम पे कुछ आज कंट्रोवर्सी नहीं हो रही. लगता है आपको कि कोई था, आपके एजेंडा चल रहा था स्पेसिफिकली? आप अभी कह रहे थे ऑफ कैमरा कि प्रसून का कोई नाम लेता नहीं, आज उसको सीबीएफसी कहा जाता है, मेरा नाम डायरेक्टली लोग लेते थे. इट्स अ ट्रू, आज रोज आ रहा है, क्योंकि क्योंकि पॉलिसी या गाइडलाइन नहीं बदली, जो पहले थी आज भी है, आज भी न्यूज आ रही है, आज भी डीएनए में. कौन था एजेंडा के पीछे, क्या? देखिए, एक ही जो है, जिस आदमी को जो सीट नहीं मिली तो डेफिनेटली वो बात करेंगे, और बहुत सारे चीजें जो है अपने को इंडस्ट्री मानते हैं, जो इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं. आपने स्टेटमेंट दिया था कि एकता कपूर और एकता स्मृति ईरानी के क्लोजनेस की वजह से. मैंने नहीं कहा था, मैंने कंडेम किया था इसको कि एकता कपूर से कोई उसका लेना देना नहीं, और मैं आज ये बात भी नहीं करना चाहता हूँ. लेकिन कोई इंडस्ट्री में किसी का एजेंडा था जो मेरे लिए घुमा रहा था, खुद भी उसी पोस्ट में था, और लेकिन जो है उसके अगेंस्ट काम कर रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको खुद को चेयरमैन बनना होगा तो बना दिया. आज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो अगर इंडस्ट्री पे जुल्म हो रहा था मेरी ओर से, तो आज सब फिल्मों में भूमि में तेरा कर दिए गए.
आज जो है जुड़वा में 8 कट दिए गए, आज जो है किस काटी गई अपना अपना अमेरिकन ने उसमें, तो उसमें तो एक सिर्फ काट दिया था, 10 सेकंड काट दिया था, इसमें तो 50% कर दिया। तो ये आज चर्चा नहीं हो रही और मुझे खुशी हो रही है कि स्मूथली जो है ना सीबीएफसी को जो काम करना चाहिए वो कर रहा है। हमें एडल्ट चाहिए था बिना कट की, हमारी जो थी कि बिना कट होगी, बिना कट पास हो गई। तो कोई ऐसी नहीं है कि मेरी वजह से हुई कि मैं सीबीएफसी में काम कर चुका हूं और मुझे मतलब मुझे फेवर कर दिया। मैं तो आज तक प्रसन्न जोशी से व्यक्ति तौर पे कभी मिला ही नहीं हूँ, ना प्रसन्न जोशी का एज अ चेयरमैन कोई काम है या वो फिल्म देखते हैं वो, या मैंने एज अ चेयरपर्सन मैंने कोई फिल्म देखी थी। हमारा कोई रोल ही नहीं होता, जब फिल्म पास नहीं होती चेयरमैन का रोल तब होता। लेकिन लोगों ने जिस तरह से सुरेश प्रभु को रिजाइन करना पड़ा, इंजन ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया रिजाइन मॉरल ग्राउंड पे जो है प्रभु जी ने किया, आप इतना अच्छा काम कर रहे थे लेकिन उनको कुर्सी अपनी खोनी पड़ी। सेम तरह यहाँ पे सर्टिफिकेशन बॉडी जो नाम है वो भी क्रिएट जो किया था मिस्टर राठौर जी ने, एमओएस थे, उन्होंने क्रिएट किया कि ये सर्टिफिकेशन बॉडी है। जो सर्टिफिकेशन बॉडी नहीं है उसके साथ एक्ट है। आज अगर आप अपना यू मांग रहे हो और लेकिन कंटेंट उस हिसाब से नहीं है, आप इंसिस्ट करते हो यू चाहिए, तो डेफिनेटली आपको कुछ सर्टेन पोर्शन जो ऑब्जेक्शनबल होगा काटना होगा। सेम तरीके से यूए में अगर ऑब्जेक्शनबल हो, यूए में हमने कहा ना यूए और ए के बीच में हमारे पास कुछ नहीं है, तो यूके में बाहुबली 15+ हुई, काबिल हमारे पास बीच में कुछ नहीं है क्योंकि एडल्ट नहीं थी वो फिल्म में, तो हमें मजबूरन यूए देना पड़ा। तो हम कैसे ना काटे, क्योंकि एज जो हमारी गाइडलाइन अलाउ करती है हम उस हिसाब से करते हैं। तो मुझे ये खुशी है कि भैया गठन हुआ श्याम बेनेगल का, वो होता है या नहीं होता मुझे डाउट है, लेकिन सरकार को रेटिंग सिस्टम लाना चाहिए जो बहुत जरूरी तो है। आप मानते हैं इस बात को कि जरूरी है, क्योंकि मैंने सजेशंस दिए थे। मैं श्याम बेनेगल गठन होने का पहले से ही जो है हमने दिए थे, लेकिन सरकार के पास हाथ में हमारे हाथ तो बंधे हुए, जो हमें दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं प्रहलाद जी कि ये इस चीज में विश्वास रखते हैं एक्चुअली, कॉन्ट्रेरी टू द इमेज व्हिच इज देयर कि इनके हिसाब से भी रेटिंग सिस्टम होना चाहिए। मैं आपसे एक ही चीज कहना जा रहा था, इसी साल दो फिल्में आई, कहानी लगभग उसी आधा सिचुएशन पे थी। एक फिल्म थी मात्र और एक फिल्म थी मॉम। दोनों फिल्म थी, माँ रिवेंज लेती है अपनी बच्ची के बलात्कार पे, मात्र एडल्ट थी, मॉम यूए थी। दोनों फिल्में सेम थी, कंटेंट सेम था, बेसिक चीज क्या थी उसका, जो विजुअल और जो अप्रोच था वो जमीन आसमान का एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो आने वाले वीक में आ रही है अपना भूमि, भूमि भूमि में एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया था बट प्रोड्यूसर वांटेड यूए सर्टिफिकेट। अब ने उससे इंसिस्ट किया कि मुझे ये चाहिए, ही हैज टू कॉम्प्रोमाइज दी कम्प्लीटली सॉन्ग ऑफ सनी लियोनी, जो मतलब पोर्शन जो है एडल्ट कंटेंट था पूरा निकाल दिया, जो पहले यूए में पास किया गया था वो दिया, जो बलात्कार के ऊपर फिल्म है कम्प्लीटली टू द फ्लैश हो गया, जो मतलब पूरा मतलब जो कहानी लेके चले वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ही गॉट 13 कट्स एंड फाइनली उसको यूए देना पड़ा क्योंकि उसे यूए चाहिए था। अब उस पे जो ना किसी की कोई चिल्लम चिल्ली नहीं है, कोई मतलब जो ना कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ऑन द कंट्री स्टेटमेंट कम्स कि हमें मालूम था कि कट होगा अगर यूए सर्टिफिकेट चाहिए, तो हैप्पीली उमंग हैज एक्सेप्टेड दी कंटेंट। जहां मैं था दे वॉन्टेड कि भैया ये एक कट क्यों दिया, बिकॉज माइलेज चाहिए था। सो दैट्स अ डिफरेंस, बिकॉज इंडस्ट्री के खुद लोग थे इन चीजों को मांग रहे थे। हमने कहा, लोगों ने प्लेटफॉर्म यूज किया सीबीएफसी को फॉर मार्केटिंग, जिनकी फिल्म में मार्केटिंग नहीं आते हुए कितना कॉन्शियस थे आपकी कितना हद तक, ऑब्वियसली द स्टोरी एज शी राइटली पुट इट इज अ जर्नी ऑफ अ वुमन हु शी गोज थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, कौन सी चीज मुझे फिल्म में रखनी है या किस तरह के सीन शूट होंगे। एक सीन है मेरी फिल्म में जो मैं आपके साथ ही पहली बार शेयर कर रहा हूँ। देयर इज अ फिल्म, देयर इज अ सीन वेयर शी अनड्रेसेस इन फ्रंट ऑफ द विलन, ओके, देयर इज अ सीन इन माय फिल्म, शी अनड्रेसेस। नाउ व्हेन दैट सीन वाज देयर इन माय फिल्म एज अ राइटर दैट आई रोट, यू नो व्हाट वाज माय रेफरेंस पॉइंट एज अ राइटर डायरेक्टर वाज मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया, सलमान खान ब्रॉट अ ड्रेस फॉर भाग्यश्री ऑन अ बर्थडे एंड टोल्ड वेयर दिस फॉर मी एंड शी शोड हिम वेयरिंग दैट ड्रेस टू हिम, राइट, शी डिडंट शो इट टू द ऑडियंस, राइट।
आई यूज दैट सेम थिंग इन द फिल्म. विल आई टेल यू नो व्हाट, नाउ यू हैव टू रिमूव योर क्लोथ्स एंड स्टैंड. कम ऑन, हाउ डू आई डिफाइन दैट. ऑन दैट नोट आई आस्क यू लक्ष्मी कि किस तरह से इन्होंने आपको ब्रीफ किया दैट यू फेल्ट दैट यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. व्हाट वाज योर एक्साइटमेंट लेवल? He beautifully narrated the script to me, and keeping all these skin show scenes aside, he didn't make me feel that, you know, you need to expose for this film. Mm-hmm. You know, that wasn't the approach. The approach was so beautifully narrated that this girl's journey starts from here and ends here. Mm-hmm. And what happens in between, whatever it is, you know, for me, he said, Lakshmi, for me, my artist has to be comfortable, mm-hmm. and has to give me the right shot that I want. Right. Until that person doesn't feel the character and doesn't feel that, you know, you're crossing your limits and if you're uncomfortable, I will not get the best out of you. Right. So one thing I have to give it to him is that credit I have to give it to him is that he has never made me feel uncomfortable. Even if mm-hmm. I have to do scenes like where he said, I am with clothes. Even when I'm giving a revealing shot, like mm-hmm. a skin show shot, a glamorous shot. But nobody will know that. And even with clothes, yeah. he made sure that there are only important people who are required there mm-hmm. to be around. Right. The rest all were out. So he made sure. I didn't ask for it. So this is something that an artist will go way beyond to do things because he makes sure that everything is taken care of, and this is a film that you're doing. You're playing a character, right? So there is nothing there. There's no. He's not taking that liberty just because I'm doing it. So now, chalo, ye bhi khol do. You know, that wasn't there. So aapko lagta hai ki ye ek perfect film hai, you know, to use it as your debut film in Hindi film industry. See, I don't judge my films. The reason is whatever I love to be, and I feel that is the right. See, the thing is, just because I love the script, I'm doing it, so mm-hmm. I'm part of it. So I, with the hope that it's going to be something different, something new to the audience, is what. That's why I'm in it. I'm part of it. Right. So definitely, it's a film where I'll get to show a lot more in terms of my talent, in terms of my skills, in terms of a performer. So I think it's a right story for me where I have come in as a newcomer but yet trying to show what I can be. Right. It's a feeling like the contentment is there, that, you know, the way I had conceived the film, I'm seeing the final result. I'm super excited and as well as nervous. I don't know, I've never felt this even when I was launched as a actress first time into film industry. The kind of hard work that I've put into this film, I don't see myself. I don't remember putting this for any of my 49 films. I don't know why. I have no answers for that. I just felt that this character, Julie, was too close to my heart. And I took it too personally. You know, people are appreciating it and people are liking it. Even if there is a mixed opinion on it, I don't know. Where you have immense love, you also have hate. Pehlaji ke liye, what next now? CBFC is over, now Julie is also out for release. लोग तो मतलब आप तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए, इतने सारे न्यूज में रहने के बाद लोग जानना चाहेंगे पहलाजी अब क्या कर रहे हैं. आज की डेट में जूली के साथ जीना चाहता हूँ, जूली के साथ रिलीज तक रहना चाहता हूँ, क्योंकि जूली में तीन हाईलाइट है, एक स्टोरी स्क्रीन प्ले, दूसरी म्यूजिक, तीसरी राय लक्ष्मी. तो लक्ष्मी नाम है, आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर टू लक्ष्मी टू कम. लक्ष्मी टू कम, ऑल द प्रेशर इज ऑन मी. एनीवेज द होल फिल्म, यू नो, द प्रेशर इज ऑन माय शोल्डर एंड नाउ इवन द कलेक्शन इज ऑन माय शोल्डर. सरस्वती दीपक के पास ही लक्ष्मी नहीं थी आने वाली. चलिए, ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू विद द सक्सेस ऑफ द फिल्म. थैंक यू वेरी मच.